मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज वीडियो बना रहा हूँ FIRC के ऊपर। बड़ी सारी क्वेरीज आती हैं कि लोग कहते हैं कि पेपल FIRC देता है कि नहीं देता है, पेपल जो FIRC देता है वो लीगली अप्रूव्ड है कि नहीं है, बैंक से उसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं मेरे पास। बड़े सारे लोग ई बे पे जो सेल करते हैं, क्योंकि ई बे पे कंपलसरी है आपको पेपल क्या थ्रू पेमेंट लेना पड़ता है, तो ऐसे डाउट्स आते हैं लोगों के पास। लोग कहते हैं कि FIRC सर इशू नहीं करता है पेपल और उसे एक्सेप्ट नहीं करता है बैंक, ऐसे इश्यूज़ हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि पेपल जो है वो FIRC को इशू करता है। मैं आपको एक FIRC दिखा भी देता हूँ, एक सॉफ्ट कॉपी अभी दिखाता हूँ मैं आपको, उसमें क्या क्या डिटेल्स होते हैं मैं सारा डिटेल्स में आपको वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। और जिनकी क्वेरीज है, हो सकता है कि ये डाउट्स तो क्लियर हो जाएगा कि FIRC वो देता है कि नहीं देता है। पेपल जो है उसका जो बैंक है वो सिटी बैंक है, तो सिटी बैंक के थ्रू आपको FIRC इशू होती है। उसका एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें मैं डिटेल वीडियो रिसेंट जल्दी बनाऊंगा। सो अभी आइए, चलिए मैं आपको पहले एक FIRC दिखाता हूँ। सो ये एक FIRC की कॉपी है, आप इसको देख सकते हैं। नॉर्मली सर्टिफिकेट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस यहाँ मेंशन है, सिटी बैंक इशू करता है, ये पेपल के थ्रू इशू किया हुआ FIRC है। यहाँ रेफरेंस नंबर रहेगा, डेट डली हुई है, जो आपका बैंक है आप यूज करते हैं करेंट अकाउंट उसके नाम पे है, तो जैसे ये कोटक महिंद्रा बैंक के नाम पे है। अमाउंट यहाँ पे मेंशन है किस अमाउंट के लिए, फॉर क्रेडिट टू आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, आपका बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा। जो इशू होता है ये रेमिटर का नाम जो इसमें आ रहा है, देखिए यहाँ पे मेंशन है पेपल PTE लिमिटेड सिंगापुर, नेम एंड एड्रेस इज सिटी बैंक न्यूयॉर्क। ओके, फॉरेन करेंसी इस अमाउंट के लिए ये इशू किया हुआ है, इक्विवेलेंट टू यहाँ कन्वर्ट करके इन्हें डाला हुआ है। रेट अप्लाइड मेंशन है, पर्पस कोड मेंशन है यहाँ पे, और ये क्लियरली है certified that payment therefore had not received in non-convertible rupees or under any special trade or payment agreed. Computer generated advice, no signature is required. अब जिनके doubts थे वो clear हो गए होंगे कि PayPal issue करता है कि नहीं, तो ये FIRC जो PayPal ने issue किया है। अब इसको issue कैसे कराना है उसका मैं एक detail video बनाऊंगा, थोड़ा सा लंबा process है, 7 to 10 days आपको लग जाते हैं, तो वो detail video मैं जल्दी ही बनाऊंगा। आज Women's Day है, तो सब वुमेंस को हैप्पी वुमेंस डे। और सेकेंडली, हमारी जो अभी अप्रैल में ट्रेनिंग है दिल्ली में, 2 दिन की है, 11th एंड 12th अप्रैल को। सो हम इस वीक वुमेंस डे ऑफर चला रहे हैं फॉर 7 days। सो आज से वुमेंस डे से लेके 7 days तक ये ऑफर है। जो भी वुमेन एंटरप्रेनर हमारी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेनिंग में आना चाहती है, तो उसके लिए 50% जो नॉर्मल स्टैंडर्ड फी है उस पर फ्लैट 50% है फॉर दिस कंप्लीट वीक। सो आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप ये ऑफर सिर्फ वुमेन्स के लिए, सो वो लोग कर सकते हैं। बाकी जो स्टैंडर्ड ऑफर है वो चल ही रहा है हम लोगों का। अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी या मेरी वेबसाइट विजिट कर सकता है, वहाँ से डिटेल्स ले सकता है। सिलेबस वैसे भी हमने वेबसाइट में पूरा डाला हुआ है ट्रेनिंग में क्या क्या होगा, और जो फीस स्ट्रक्चर है उसकी डिटेल्स आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ क्लोज करते हैं। ओके, बाय बाय।